हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आप लोगों का भाई सुदर्शन फिर से लेके आ गया हूँ। एक ये भी आप ब्लैक का ब्यूटी क्वीन कह सकते हो, छोटा सा कॉम्पैक्ट बुक सेल्फ म्यूजिक सिस्टम जो आता है सोनी की तरफ से। पहले आप ज़रा देख लीजिए तो, और उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में आप लोगों को शेयर करूँगा। लेकिन पहली बात आपको बता देता हूँ, इसका डीवीडी सेक्शन ऑक्स सिस्टम फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है, फुल्ली न्यू कंडीशन वाला अनटच सेट है, ठीक है। इसमें यूएसबी आता है, ये पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे परिचय करा देता हूँ इस सिस्टम से। देख लीजिए, ये है एक स्पीकर साइड, ये है इसका मेन एम्प, ये है इसका राइट साइड का दो स्पीकर कम ऊपर, ठीक है। तो फिर चलिए इसका मॉडल नंबर क्या है जान लेते हैं। ये देखिए, ये आपका आ जाता है डिस्प्ले साइड हाई फाई कॉम्पोनेंट सिस्टम DHC AJ333D, ठीक है। ये आपको आ जाता है एक टच वाला सिस्टम जो सोनी का एकदम लास्ट लास्ट का था लेटेस्ट मॉडल में, ठीक है। इसमें फुल्ली लोडेड है, ये सिस्टम फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ आता है। तो इसका नीचे में देख लेते हैं, इसका नीचे में इसका डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए। यह है आपका एजेट का लोगो, एजेट सीरीज का है, 2200 वाट PMPM में आता है। इसका RMS सबको आ जाता है 100 वाट करके, दो चैनल टोटल 200 वाट। उसके नीचे में देखिए डिटेल्स लिखा हुआ है, DVD, DVD-R, RAW, RW, VCD, CD, JPEG, टच सेंसर ऑप्शन। ये जो सिस्टम है ये आपका टच से चलता है, इसमें कोई स्विच नहीं है, टच सिस्टम है ये। और इसके साइड में देखिए, ये डिजिटल मीडिया, डिजिटल सिस्टम, साउंड सिस्टम है, फुल्ली यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या आप इससे कर सकते हो। उससे नीचे वाला भी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रोलर सिस्टम। तो फिर चलिए इसका फुल टोटल रिव्यू मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका बैक साइड का वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ। मैंने इसे ऑन कर लिया और तब ठीक है, ये DVD फंक्शन में आ गया। देखिए मैं इसके जो फंक्शन है उसके उससे परिचय करवा देता हूँ। यह आपका ऑन ऑफ का स्विच, ठीक है। उसके नीचे आ जाइए, ये इसके इस डिस्प्ले वाला स्विच है, उसके नीचे आपका ए प्रोग्रामिंग स्विच है, उसके बाद डायगोनिक्स जो है DSGX जो डायगोनिक्स है, ये इसका बेस है। ये आपका ऑन ऑफ करोगे तो ऑफ करोगे तो ये आपका नॉर्मल साउंड देगा, इसको ऑन करोगे तो सर जी जो आपको बेस क्वालिटी है वो ज़्यादा मिलेगा, हाई बेस क्वालिटी, और साउंड बहुत अच्छा देता है। इसके नीचे आपको आ जाता है साउंड फोल्ड का ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं आपको एक स्विच से दिखा देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो फिर इसे मैं ले लेता हूँ वीडियो मोड में। ये है आपका, देख लीजिए, ये डायगोनस बेस ऑन हो गया, जिससे आपका बेस बढ़ सकता है। ये आपका रॉक मूड आ गया है, इसका डायगोनस ऑफ हो करने से नॉर्मल म्यूजिक मिलेगा, ऑन करने से आपको ज़्यादा बेस फीचर मिलेगा। प्रोसेट इक्वलाइजर, देखिए प्रोसेट इक्वलाइजर जो कर देंगे, रॉक मूड, पॉप मूड, जॉक मूड, सब मूड, क्लासिक मूड, सब मूड चेंज होता है, फ्लैट मूड, ठीक है। उसके नीचे में क्या मिलता है, इक्वलाइजर एडिट। इक्वलाइजर एडिट जब आप करेंगे, इसमें आपका लो फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो, मिड बढ़ा घटा सकते हो, उसके बाद हाई कम ज़्यादा कर सकते हो, जो उसका टोन है। उसके नीचे में आपको मिल जाता है, देख लीजिए, जो है इस फंक्शन के बारे में मैं ज़्यादातर नहीं जानता, जो लोग यूज़ करता है वो लोग जानता है। ये आपका CD सिंकोनिन है, इसका रिकॉर्डिंग है, इस स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हो, तो रिकॉर्डिंग का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और दाहिनी तरफ आपको मिल जाता है साइड वाला, जो आपका DVD CD चला सकते हो, उसकी पोजिशन, ठीक है। तो फिर चलिए इसका बाई तरफ जो स्पीकर है उसके समय जाना था, ये आपका 4 इंची में आ जाता है, स्पीकर कम ऊपर है दोनों 4 इंची में, ये 50-50 करके आ जाता है टोटल 100 वाट, और बीच में एक ट्विटर आ जाता है साइडनेस के लिए, ठीक है। दाईं तरफ आ जाइए, दाईं तरफ भी 4 इंच का दो दो
स्पीकर का मोफर मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया साउंड है, बहुत ही मीठी क्वालिटी का साउंड आता है इसमें। और बीच में मिल जाता है आपको ये ट्विटर, ठीक है। तो फिर चलिए इसे हम चलाकर प्ले करके देखते हैं। तो पहले रुकिए, आप लोगों के सामने मैं इसे डीवीडी मोड पे लाता हूँ। डीवीडी मोड पे ला लिया, इसके बाद मैं इस पे डीवीडी डालता हूँ। देख लीजिए ये वाला डीवीडी, मैं आप लोगों को साउंड नहीं सुना सकता। साउंड सुनना है तो मुझे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको साउंड दे दूँगा। यूट्यूब में साउंड देने से कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैं साउंड नहीं सुना सकता। मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ, देख लीजिए। देख लीजिए बहुत ही लेटेस्ट वाला है, ये दे दिया खुद ब खुद चला गया। देखिए रीडिंग ले रहा है, ठीक है। देख लीजिए अभी प्ले होगा, देखिए प्ले हो गया है। तो म्यूजिक थोड़ा आ रहा है, मैं थोड़ा कट देता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं सुना सकता, ठीक है। तीन में साउंड रख देता है, हल्का सा साउंड आएगा, ठीक है। और देखिए डीवीडी प्ले हो रहा है, मैं इसे चेंज करूँगा, ठीक है। चेंज करके दिखाता हूँ, इस मोड से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए दो नंबर गाना चल रहा है, देखिए क्योंकि गाना चेंज भी हो गया है। इसका डीवीडी भी फुल फंक्शनल रनिंग है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो जो आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डीवीडी में निकाल लेता हूँ। इसका साउंड आपको सुनना है तो सर जी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको टोटली भेज दूँगा सॉन्ग प्ले करके, ठीक है। मैं डीवीडी निकाल देता हूँ, ये जी धो रहा है। देखिए डीवीडी अभी निकलेगा। इसका डीवीडी निकलने का तरीका बहुत ही दमदार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो साइड वाला सीडी का ऑप्शन है। तो और जो बेसिक बात, इसके बीच में फिर आपको मिल जाता है ये आपका एफएम ट्यूनर टच किया। देखिए मैंने वो पढ़ा, ये एफएम की साउंड आप लोग सुन सकते हो। मेरा एंटेना कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए सेंटर नहीं आ रहा। एंटेना कनेक्ट कीजिएगा तो साउंड भी आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है इसका यूएसबी पोर्शन, ठीक है। यूएसबी पोर्शन में मैंने ले लिया, अभी मैं आपको यूएसबी डालकर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं यूएसबी डाल देता हूँ, ये रहा इसका नीचे वाला यूएसबी का पोर्शन। उसके बाद में बताऊँगा इसका माइक सिस्टम के बारे में, तो पहले डाल देता हूँ। देख लीजिए डाल दिया, अभी देख लीजिए रीडिंग ले रहा है यूएसबी का। तो मैं इसे प्ले कर देता हूँ, ठीक है। देखिए टच वाला प्ले हो गया, थोड़ा सा सॉन्ग इस पर भी सुना आपको सुना देते हैं। सुनिए सर जी, एक में चल रहा है, इसका यूएसबी भी रनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली न्यू कंडीशन वाला सेट है। तो चलिए अभी देखिए प्ले हो रहा है, मैं नेक्स्ट सॉन्ग आपको दिखा देता हूँ। टच किया, चेंज हो गया, ठीक है। तो सेकंड वाला सॉन्ग क्या चल रहा है, सेकंड वाला सॉन्ग है ये, ठीक है, आ गया। तो अभी क्या ज़्यादा लंग वीडियो हो जा रहा है, तो मैं यूएसबी निकाल देता हूँ। इसके बाद अब जो ऑक्स पोर्शन है वो आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ये वाला ड्राइव। इसका वीडियो मोड में मैं इसका ऑक्स चलता है, तो वीडियो मोड में मैं ये टच करा, वीडियो मोड में चला गया, और मैं इसका साउंड आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। वीडियो अब ऑडियो सब कुछ चलता है इसमें, ठीक है, सब कुछ चलता है। और चलिए इसका नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपको जिस भी ऑडियो रनिंग चाहिए या फिर यूएसबी का वीडियो चाहिए, सर जी मुझे यूएसबी का वीडियो दो, सर जी मुझे डीवीडी का वीडियो दो, मैं सब आपको दे दूँगा। व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा सर जी। और चलिए इसका नीचे में आप देख सकते हैं, इसका नीचे में जो आपका आता है फोन स्मूथ सोनी का हर एक सिस्टम में आता है, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी दिया हुआ है सोनी ने। उसके बाद में इस सेगमेंट में
ये एक ही सेट है जिसमें दो माइक दिया हुआ है, ठीक है। ये दो माइक आप दो जोड़ी में और घर में दो बच्चा हो वो गाना सीख रहे हो तो उसके लिए, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों मिलके एक सुरीला गाना गा सकते हो, ठीक है। या फिर घर में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो, किटी पार्टी हो, उसमें भी आप आराम से गाना गा सकते हो। आपको और आराम से एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा आपका जो घर में कोई या हो संगीत वगैरह हो, सब कुछ इससे चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको मिल जाता है माइक लेवल, जिससे आप साउंड घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये आता है इको लेवल, जो गाना गाते हैं वो लोग जानते हैं इको लेवल का काम क्या है। जो एक साउंड आता है जो आपका सराउंड की तरह सुनाई देता है, वो उसका काम करता है ये इक्वलाइजर मोड, ठीक है। तो फिर चलिए टोटल सेट के बारे में आप लोगों को दिखा दिया। और सर जी, इसका जो टेप वाला है, इसका टेप रनिंग है, लेकिन मेरे पास अभी टेप का कैसेट नहीं था, नहीं है, एक कैसेट है वो टूट गया, तो इसीलिए मैं आपको नहीं चेक करवा पाया। रनिंग वीडियो में मैं आपको पीछे का सेक्शन इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए पीछे वाला बॉक्स का पीछे वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला आ गया इस तरफ। इस वाला को भी मैं पीछे से करवा लेता हूँ। सर जी, मैं ऑनलाइन कोई एडिट नहीं करता, डायरेक्ट वीडियो करता हूँ, डायरेक्ट वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। पहले देख लीजिए इसका, और देखिए फुल्ली फ्रेश कंडीशन में, एक भी खरोच का दाग नहीं है, कोई कहीं पे टूटा नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे भी दिया हुआ है, देखिए SS AZ55D जो बॉक्स का मॉडल नंबर है, इसे 4 ओम्स में आता है। इसका नीचे में टोटल डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इधर आइए, जो बाई तरफ का है, बाई तरफ में भी सेम दिया हुआ है, मॉडल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, और इसके मैनुअल डिटेल्स दिया हुआ है। जो लोग मैनुअल डिटेल्स पढ़ना चाहते हो वो पॉज करके मैनुअल डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर चले, ये जो मेन यूनिट है, मेन यूनिट का पीछे से क्या क्या आपको दिया हुआ है फुल्ली लोडेड, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बावजूद मैं आपको वो बोलता हूँ, ये जो सिस्टम है, इस सेगमेंट में, ये लेटेस्ट सिस्टम में एक पोर्ट आता है जो DM पोर्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DM पोर्ट के बारे में जो लोग जानते हैं वो लोग अच्छी तरह से मालूम है DM पोर्ट कैसे काम करता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो चलिए यूनिट का पीछे की तरफ देखते हैं आप। तो चलिए पीछे की तरफ आ गया, पीछे की लुक आप एक बार देख सकते हो, फुल्ली नया सिस्टम है, फुल्ली नया, ठीक है, कोई भी खर्च का निशान नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको मिल जाता है FM एंटेना का, जो है FM का मोड है, AM का मोड, और इसके बीच में ये जो आपको मिल रहा है, देखिए इसका पंखा चल रहा है, देखिए सिस्टम अभी ऑन है। जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे, गाना सुनेंगे, पंखा चलेगा, जिसकी वजह से आपका अंदर का जो हीटिंग है वो बाहर आ जाएगा। आजकल आपका सिस्टम को बहुत अच्छे से, अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। और इसके साइड में आपका देखिए, इसका कौन सा क्लास में बना हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसके नीचे भी इसका डिटेल दिया हुआ है। और ये है इसका DM पोर्ट, ये DM पोर्ट बड़ी बड़ी काम की पोर्ट है। जो लोग DM पोर्ट के बारे में जानते हैं वो लोग जानते हैं DM पोर्ट किस काम में लगता है, ठीक है। उसका नीचे आपको मिल जाता है इसका राइट वाला स्पीकर का पोर्ट, ये का लेफ्ट वाला, और बीच में इसको मिल जाता है ओनली फॉर SS AZ55D। ये इसमें जो स्पीकर लगेगा उसका मॉडल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कोई डुप्लीकेट स्पीकर नहीं लग सकता, क्योंकि आपका जो बॉक्स की है, तो देख लीजिए यहाँ पर है बॉक्स, बॉक्स में लिखा हुआ है SS AZ55D, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ओनली फॉर SS AZ55D। आप जब इस सिस्टम के साथ कोई बॉक्स लगाना चाहते हो, जो इसके पहचान के लिए, देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है, देखिए जो लोग नहीं जानते वो लोग भी अच्छी तरह से जान जाते हैं जो इस मॉडल का यही बॉक्स आता है, ठीक है। उसके नीचे आपको मिल जाता है DVD USB डिजिटल आउटपुट, ठीक है। ये है आपका ऑप्टिकल लाइन की मदद से भी आप इसे चला सकते हो। उसके नीचे में मिल जाता है SVDO आउटपुट मोड,
नीचे वीडियो आउटपुट म्यूट और इसके दाई तरफ मिल जाता है डीलाइट सिंकुलिन आउटपुट। और सबसे बढ़िया बात ये जो सीरीज है इस लेटेस्ट मॉडल में 2200 और पीओमपीओ में ये ऐसा ही एक सिस्टम है जिसमें आप लोग सबवूफर की आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक है। इससे आप सबवूफर भी लगा सकते हो, वो एक्टिव सबवूफर, और उसके नीचे में ए पोर्ट आता है, ठीक है, कंप्लीट वीडियो आउटपुट का। और इसके बाजू में ऑडियो सीरीज वीडियो सीडी है, इससे आप टीवी से कनेक्ट करके, लैपटॉप से कनेक्ट करके, फ़ोन से कनेक्ट करके, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, हर किसी से कनेक्ट करके बजा सकते हो। इससे आप इन करोगे, आप चाहते हो कि दूसरा वाला कोई सिस्टम मेरे पास है जिसको मैं अटैच करवा सकता हूँ, वो इसमें लगा देना दो पोर्ट, तो इससे साउंड आउटपुट देता है, आप इससे और कोई भी सिस्टम भी चला सकते हो, ठीक है। उसके बाजू में आप देख सकते हो, उसके बाजू में सोनी का जो सीरियल नंबर है, जो मॉडल नंबर, वो दिया हुआ है, ठीक है। और उसका नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मैनुफैक्चर कहाँ पे किया हुआ है, जो डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो जिस सब्सक्राइबर भाई को ये पढ़ना हो वो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वो पॉज करके टोटल डिटेल्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। सर जी, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। आपका भाई सुदर्शन। सर प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कौन कौन का सेट आप लोगों को पसंद है वो मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा जितनी भी चीप से चीपेस्ट प्राइस में मैं ला सकूँ मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।